आज हम चौबे टोला पे आए हैं और यहाँ से पंचमी का भरमलाप निकाला जाता है जो कि कमेटी के कुछ वरिष्ठ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि भरमलाप कितने साल से और कैसे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ये लोग और बहुत ही परिश्रम का कार्य है कि जो कि इतना बड़ा भरमलाप निकाल लेते हैं मिर्जापुर से। बताइए सर, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम गोपाल दास अग्रहरी है, मैं इस रामलीला पुरानी दसवीं पंचायती का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, और हमारे बड़े भैया पूर्व अध्यक्ष हैं। तो ये भरम मिलाप कितने साल पुराना है कोई कहता और है? ये हमारे उपाध्यक्ष हैं। अच्छा सर, और हमारे सब कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो आप बताएं कोई कहता है कि बहुत साल पुराना साथ है, हमारे लगभग लमसम में लोग बताते हैं 236 साल पुराना है, कोई कहता है 1347 का है, ये 1347 का है, ये भरम मिलाप 1347 का पंचमी का भरम मिलाप है। और भरम मिलाप की विशेषताएं बताइए। पहले ये भरम मिलाप में यहाँ पर रामनगर के राजा भी आते थे, जो यहाँ पर यहाँ का जो दसवीं लगवाते थे, कुछ कारण हो गया कि वो अब रामनगर में वो लगने लगा, तो ये रामनगर से और पंचमी का भरम मिलाप उससे टैली रहता है, टैली रहता हाँ। जो कि रामचंद्र जी का बहुत ही स्नेह द्वारा जो है कि प्रभु जी की चौकी बहुत ही खुशहाल चौकी और सभी भक्त जो है कि इसमें सभी इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि एक दूसरे का मदद के थ्रू भगवान का दर्शन करते हैं लोग। ये मोहल्ला किस किस रूट से जाता है ये भरम? ये जैसे चौबे टोला है, चौबे टोला से तुलसी चौराहा, तुलसी चौराहा से आपका पेटी चौराहा, पेटी चौराहा से टटाई, टटाई से पंसारी टोला होते हुए मुकेरी बाजार, मुकेरी बाजार से लाल डिग्गी और लाल डिग्गी से बूढ़े नाथ अब बूढ़े नाथ से तिरमुआनी और तिरमुआनी से जो है खजांची चौराहा, अरे कोतवाली सिटी कोतवाली है, फिर उसके बाद घंटाघर और खजांची चौराहा, फिर उसके बाद इधर गिरधर चौराहा और बेलतर होते हुए यहाँ चीनी इनारा पे इधर समाप्त हो जाती है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, प्रभु के दर्शन आप लोग कराते हैं। थोड़ा नाटकी कार्यक्रम अगर आप लोग कराएं तो ज़्यादा बेटर हो। नहीं नहीं, नाटकी कार्यक्रम इस बार नहीं है, शायद सारे जो चौकियाँ इस बार 22 करीब निकल रही है, 21-22। तो हमने बहुत से लोगों से बात किया तो उसमें हमको टिप्पणी मिला है कि राधा किशन डांस पे लोग मजाक बनाते हैं और स्टेज पर डांस होता है, ऑर्केस्ट्रा वाले। इस बार देखिएगा सारे डायलॉग वाले चौकियाँ इस बार नहीं है, जो ऐसा चौकियाँ हम लोग रखे ही नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब हम चाहते हैं कि भगवान के जो कार्य रूप है अनुरूप वो हाँ, मतलब कि उनके जो कार्य करते हैं, उनका रूप धारण करते हैं, उस पर कोई मजाक ना उड़ाए। नहीं नहीं, वही टाइप का ही चौकी निकला हुआ है। कोई बात है तो इस पर कोई विडंबना ना आए, और क्या बात है। बहुत अच्छी बात होता है कि दर्शन आप लोग कराते हैं और ये पारंपरिक रूप से भरम मिलाप बहुत अच्छी जनमानस के रूप में बहुत अच्छा कार्य है। और इस बार हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है कि कोई भर्ती चौकी न निकले, इसका हम लोगों ने भरपूर ख्याल किया है। और यहाँ तक किया है कि किसी डीजे से जो है फिल्मी गाना भी नहीं बजेगा। जी जी जी, ये मतलब प्रशासन से भी रिस्ट्रिक्शन है और कमेटी से भी रिस्ट्रिक्शन है। चलिए, और आप लोग को भी शुभकामनाएं, काफी प्रयास करते हैं। नहीं, हम तो हर साल आप लोग का वीडियो निकालते हैं, ये हमारी पब्लिक की डिमांड होती है कि जो हमारे मिर्जापुर के जो भी वरिष्ठ लोग रहते हैं जो इस मिर्जापुर जिले में नहीं है, जैसे बेंगलोर है, बॉम्बे है और कहीं भी जगह है, वो मेंबर हैं, वो लोग इस भरम मिलाप को बहुत ही खूबी से देखते हैं। और जो लोग भरम मिलाप नहीं देख पाते हमारे चैनल माध्यम के द्वारा से, वो लोग इस भरम मिलाप को पूरी गठन देखते हैं। हम लोग भी यही आशा करते हैं। हाँ, और एक रिकॉर्ड भी बन जाता है, लोग इसके बार बार देखते हैं और बराबर देखते रहते हैं। और पंचमी का बहुत भरम मिलाप, मतलब हाँ, ये बहुत खूबी वाला भरम मिलाप है, बहुत सुंदर ही भरम मिलाप निकलता है यहाँ का। और ये गैस्टेड, मतलब कि मिर्जापुर का दो ही गैस्टेड मेला है, एक नवरात्र और एक पंचमी का भरम मिलाप, जो वहाँ रजिस्टर में दर्ज है जी मिर्जापुर में। और ये पंचमी का बहुत बड़ा भरम मिलाप है जी, आज से नहीं, बहुत सनातन धर्म से कब से निकल रही है, प्राचीन, बहुत पुराना हो गया है। लेकिन हाँ, कार्यकर्ता एकजुट होते हैं तो हिम्मत बढ़ जाता है और पब्लिक भी साथ देती है। ये ऐसा भरम मिलाप है, जब आ जाती है तो लोगों में ऑटोमेटिक उत्साह आ जाती जी, है। ये भगवान राम का कृपा है। चलिए, भरम मिलाप का स्वागत कीजिए और आगे कार्यक्रम बढ़ाइए। चलिए, भरम मिलाप निकालने का प्रयास हो रहा है और यहाँ से ही शुभारम्भ होगा भरम मिलाप पंचमी का। पंचमी का भरम मिलाप अंकल जी कैसा लगता है आपको?
पंचमी का भरत मिलाप हम बचपन से देखते चले आए हैं। हमारी उम्र से कम 58 साल है मेरे भाई। 58 साल? हाँ। और इस समय बच्चों लोग को टहरा रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। ये पोती पोता और नाती हमारे हैं। तो ये भरत मिलाप में सारे कलाकार और जो एक महत्वपूर्ण चीज होता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ भैया, ये हमारे बचपन से एकदम अच्छा ही निकलता आ रहा है। और एक खास बात और है कि मैं वो सदस्य हूँ इस कमेटी का कि जहाँ से काली जी और भैरव जी का लाग भी निकलता है। जी 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 जी। हाँ, भगवान हमारे यहाँ से पुस्तैनी ये निकलता आ रहा है, काली जी और भैरव जी का। अच्छा अच्छा, क्या यही जिस चौराहे पे मैं खड़ा हूँ वहीं अभी काली जी और भैरव जी आके भगवान राम को माला पहनाएंगी। अच्छा अच्छा, तभी ये संपन्न होगा। अभी वो कार्य नहीं हुआ है, वो काम अभी 12 बजे के बाद होता है। अच्छा। हाँ, तो क्या नाम है सर? सर मेरा नाम बुद्धिराम गुप्ता है। अच्छा। और मैं यहीं पेरिया टोला का रहने वाला हूँ। अच्छा। चिनीवा इनारा पर मेरी चाय पान की दुकान है। हाँ, बहुत फेमस दुकान है। अरे ठीक है, ये आपकी नजर में फेमस होगा मेरे भाई। अगर न्यूज काम बोलता है, न्यूज चैनल की बात हो तो थोड़ा सा अब काम से हट के कुछ अच्छे विचार हो जाएं। बिल्कुल। और क्या पूछना चाहते हैं आप? बस से? बस भरत मिलाप कैसा लगता है, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। फिलहाल हम न्यूज़ आज नहीं, जो हम... है वो भी अच्छा है, कल जो था वो थोड़ा और अच्छा था। क्योंकि उस जमाने में हम लोग भैरवनाथ रोशनी कमेटी से वहाँ रोशनी इतनी अच्छी करवाते थे कि हम लोगों को यहाँ इसी गद्दी से पुरस्कार भी मिलता था। जी 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 जी। हाँ मेरे भाई, जमाना बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है। इसमें रुचि नहीं है जी। इसका एक कारण ये है कि दुर्गा पूजा की विशेषता जी 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 कि हर मोहल्ले में। चलिए अंकल जी, आप थोड़ा बहुत जानकारी दिए, लेकिन बहुत अच्छा जानकारी दिए, ऐसा जानकारी बहुत ही कम मिलता है। आपको भी लाख लाख धन्यवाद मेरे भाई, हमको ये मौका दिया गया। जी जी जी, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। ये बताइए, यहाँ का भरत मिलाप कैसा लगता है आपको? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बच्चों के लिए आई हूँ। बच्चों के लिए? हाँ जी, बच्चों के लिए, एंजॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हर साल देखती हैं आप? हाँ जी। कैसा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। पंचमी सप्तमी दोनों भरत मिलाप में देखती हूँ। पंचमी और सप्तमी का भरत मिलाप? हाँ जी, देखती हैं। हाँ हाँ, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, एंजॉयमेंट वगैरह, मेले वगैरह में चीजें देखने को मिलती है। मनोरंजन भरत मिलाप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, हाँ जी। कहाँ रहती हैं आप? भरूना। भरूना? हाँ। भरूना से देखने आई हैं यहाँ। चलिए, बच्चों का कार्यक्रम है और बहुत ही मनोरंजन कार्यक्रम भगवान का है, जो कि सब लोग देखते हैं। हाँ। बहुत अच्छा लगता है। और हमारे चैनल के द्वारा आप लोग को छूटा हुआ भरत मिलाप भी दिखाया जाएगा। कोरोना काल में तो 2 साल देखने को नहीं मिला, तो इस बार अपॉर्चुनिटी मिली है हमें देखने। हाँ, 21 में निकाले थे, आपकी 22 है। चलिए धन्यवाद। भरत मिलाप की तैयारी की जा रही है, जैसे कि लाग लग रहा है पंचमी का भरत मिलाप, लाइनें लग रही हैं और इसी जगह से भरत मिलाप प्रारंभ होगा। जैसे कि हम आपको सभी दिखा रहे हैं कि यहाँ मेला भी लगा हुआ है और मेले में बहुत सी सारी खिलौने बिक रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सब लोग खरीद भी रहे हैं और बहुत ही अच्छा ढंग से ये परैया टोला चौक है और यहाँ से भरत मिलाप निकाला जाता है। चलिए आपको पूर्ण भरत मिलाप दिखाते हैं और कैसा लगता है आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिर्जापुर से बालाजी।